आज के निर्णय को कैसा देख रही है? आज सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है कि ट्रिपल तलाक अनकंस्टिट्यूशनल है और संवैधानिक है, आज के बाद अब कोई ट्रिपल तलाक या तलाक कोई पति अपनी पत्नी को नहीं देगा, इसको कितना अच्छा मान रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छा मान रही हूँ, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा और हमारे जो मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट इससे मिलेगा। आपने जब लड़ाई शुरू की थी तो क्या लगा था आपको कि एक धार्मिक, एक धर्म को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये सफलता आपको मिल पाएगी या आपके जैसे महिलाओं को मिल पाएगी? जिस समय आपने पहली बार अपने कोर्ट में दायर किया था ये मामला, मैंने जब पेटिशन डाली तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन मैं चाहती थी कि कानून बने। ये ट्रिपल तलाक की जो सामाजिक बुराई थी तो इसके लिए मैं कानून चाहती थी, लेकिन मुझे सफलता इतनी जल्दी मिलेगी ये मुझे नहीं मालूम था। कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया है उससे कितना आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने जो लॉयर्स हैं मेरे, जो बालाजी श्रीनिवासन और जो जजेस हैं उनसे मैं बहुत ही उन्होंने मेरे बहुत ही सपोर्ट किया। अब भी कहीं ना कहीं कुछ मौलाना और मौलाना और राजनीतिक से प्रेरित आज भी उनको लगता है कि अब भी कोई रास्ता है जो कुछ रुकावटें आ सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसी रुकावटें लेकिन मतलब जो मौलाना है और जो जो मौलाना है और जो लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं, तो उनसे जो पॉलिटिकल है इसको पॉलिटिक्स मुद्दा ना बनाए, और मुझे अनुरोध है कि वो समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसे ध्यान देकर इस जो जस्टिस है उसका, जो जस्टिस आज आया है और जो डिसीजन आया है उसका स्वागत और समर्थन करें। जो वर्तमान सरकार है, क्या लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक लाल किला से प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि ट्रिपल तलाक एक अभिशाप है और इसको ख़त्म किया जाए, तो आप क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री, आप इस देश के लिए बेटर प्रधानमंत्री माना जाए? यस, उनसे मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर कोई कठोर से कठोर कानून बनाएंगे, और अगर कोई तलाक देता है तो उसके लिए सज़ा होगी, और जो अगर तलाक देता है तो उसके लिए मेंटेनेंस होगा, ये सब सुविधाएं रखी जाएगी और हमारी गवर्नमेंट अच्छे कानून बनाएगी। कहीं ना कहीं हिंदू महिलाओं को जिस ढंग से अपने पति और कानून से और सरकार से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है और जो फैसिलिटी मिलता है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं मिल पाती थी, तो अब कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के जो आधी आबादी महिला है अब उनको बराबर का हक मिलेगा भारत में। जी, मुझे उम्मीद है, और हमारा जो संविधान है उसमें सारे धर्मों को समान अधिकार है, तो इसलिए जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है वैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट बने। ठीक है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार से, आप क्या मांग रखेंगे इसमें? सरकार से मुझे बहुत ही बहुत उम्मीद है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक अच्छा कानून बनाएंगे जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। धन्यवाद, आइए।